हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये पीएफ का जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया था, तो आधार शेडिंग के रिगार्डिंग, तो वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो पीएफ ने मैंडेटरी शेडिंग फॉर आधार नंबर ऑफ फाइलिंग ईसीआर जो सर्कुलर जारी किया गया था 1/6/2021 को रिलेटेड, तो उसको पारा 3 और पारा के रेफर सर्कुलर को मेंटेन बी रीड एज द ऑल अदर कंटेंट्स टू बी रेफर द सर्कुलर रिमेंड अनचेंज्ड। फर्दर ऑल द एम्प्लॉयर्स मे बी एडवाइज्ड बी कंसर्न्ड फील्ड ऑफिस टू रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड ऑफ डिफेंड द इश्यू ऑफ द अप्रूवल्स। तो इस एक्सटेंड को जो इन्होंने एक्सटेंड किया वो 1/7/2021 तक किया गया। मतलब आपके पास ओनली 75 डेज है, जितनी भी आपको करेक्शन करनी है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। ओनली 3 मंथ का आपको रिलेक्शन दिया गया है। तो अभी आज जैसे 15 तारीख को रिलीज किया, 3 महीने ही पूरी नहीं, मतलब ओनली 75 डेज है आपके पास। तो 75 में आपका जितने पास आपके आधार में जितनी इंप्लॉई के आधार के वाई सी अपडेट नहीं है, या कि आप एक इंप्लॉई हैं जिनका आपके आधार के वाई सी अपडेट नहीं है, तो आपके पास ओनली 75 डेज है। आप अगर 75 के अंदर अंदर अगर आप अपने आधार के वाई सी अपडेट नहीं करवाते या अपने जो आधार के वाई सी या यूएन में चेंजेस नहीं करवाते, तो आपका पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा। तो ओनली अभी आपने पीएफ को सिर्फ 75 डेज का टाइम दिया, तो आपको 75 के अंदर जितने आपको करेक्शन है या एक एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, तो अपनी आधार के वाई सी जल्दी जल्दी अपडेट करें, जो भी करेक्शन है वो करेक्शन करवाएं, या अगर आपका मेजर चेंज है तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करवाएं या ऑनलाइन भी करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी आपको जितनी करेक्शन है वो करवा लीजिए आधार में, नहीं आपको 75 डेज के बाद में आपको पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा। तो ये भी रिलेक्शन है, पीएफ ने रिलेक्शन दे दिया। तो आप पीएफ ने ये नोटिफिकेशन आपको सर्कुलर जारी किया था, जिस पर मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बनाया था कि आप चलान ईसीआर कैसे जनरेट करना है और जिनका आधार केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी अपने आधार में करेक्शन करवाएं या यूएन में करेक्शन करवाएं, जिससे आपके आधार केवाईसी अपडेट हो जाए और वेरीफाई हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी पीएफ ने ऑप्शन दे दिया है जिनके आधार केवाईसी अपडेट या वेरीफाई नहीं है, तो आप अपनी एक्टिव मेंबर लिस्ट निकाल के आप चेक कर सकते हैं, जिससे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो भी देख सकते हैं कि अपने आधार केवाईसी स्टेटस कैसे पता करें कि वो वेरीफाई है या नहीं है। तो एम्प्लॉयर को आपको एक हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत है, जितने भी एम्प्लॉय आधार केवाईसी अपडेट नहीं, सभी एम्प्लॉय को इंटीमेशन करिए। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो अपना यूएन लॉगिन करके जरूर चेक करें कि आपके आधार के वैसे वेरीफाई है या नहीं है। तो आप एक एम्प्लॉयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप अपना यूएन लॉगिन करके भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर ये आप आधार के वैसे अपडेट नहीं करोगे तो आपका पैसा जमा नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी अपने आधार के वैसे अपडेट कीजिए। तो अगर भी कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।